गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल्स। हम लोग इस चैप्टर में दो टाइप के इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। दूसरा डेफिनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ते हैं, माना इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है। तो देखो इसमें क्या है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। माना कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, अगर उसका डेरिवेटिव करें तो वो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोल लेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल लें, एक्स रिज पावर 4 डिवाइड बाई 4 is an integral of x cube, क्यों है, because इसका derivative करते हैं हम लोग, derivative of x रिज पावर 4 डिवाइड बाई 4 का अगर हम लोग डेरीवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, x cube आएगा, तो इसलिए इसका इंटीग्रल ये फंक्शन हो जाएगा। और जो इंटीग्रल है उसको हम लोग प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव एक ही बात है माना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव उसको इंटीग्रल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो दस द रिवर्स प्रोसेस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है उसका रिवर्स है उसको इंटीग्रेशन बोल लेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, कोस एक्स होता है। ये फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 का एक्स स्क्वायर होता है, ये सेकंड। थर्ड लेते हैं e की एक्स का डेरिवेटिव, e की एक्स ही होता है। तो हम यहां से देखते हैं कि भाई जो कोस एक्स का जो फिर इसका अंदर इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स होगा। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 होगा। और ई की एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रल क्या होगा, ई की एक्स ही होगा। लेकिन देखो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि भाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस में सी, तो इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का तो कोस एक्स होगा और सी क्या हो गया, कोई कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव भी यही होगा। दूसरा अगर हम लोग इसकी बात करें, सेकंड इक्वेशन की बात करें, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में सी, कोई रियल नंबर कांस्टेंट ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, एक्स स्क्वेयर ही होगा। और थर्ड का हम लोग करें ई की पावर एक्स प्लस में सी, कोई कांस्टेंट है सी, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, e की x ही होगा। तो हम लोग यहां से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कोस x का इंटीग्रल है
यहां भी देखो यहां भी देखो, वो यूनिक नहीं है। मतलब इसमें भी देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर, यहां भी एक्स स्क्वेयर है और इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल वो यूनिक नहीं है। मतलब किसी भी केस में देखो, तीनों इक्वेशन में हम लोग देखें तो जो इनका इंटीग्रल है वो यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो इसलिए इनको बोलते हैं इनडेफिनेट, क्योंकि डेफिनेट नहीं है तो इसलिए वो इनडेफिनेट है, तो इसलिए इनको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। और सी क्या है? सी कोई भी रियल नंबर है, माना उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, क्योंकि सी क्या है? कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, माना कोई रियल नंबर है। सी किसको बिलोंग कर रहा है? कोई भी रियल नंबर को है, तो इसका मतलब क्या हो गए? इनफाइनाइट होंगे ये फंक्शन, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स बोलेंगे। और इंटीग्रल्स को डिनोट करने के लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं, ये इंटीग्रल का साइन है। जैसे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका जो इंटीग्रल है हम लोग इस तरह से लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, ये वो फैमिली आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। और इस पूरे को बोलेंगे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये सी क्या है? ये तो बता ही दिया है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। तो देखो, हमें डेरिवेटिव जिन फंक्शंस का पता है तो उनका इंटीग्रल निकालना अब आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रल ऑफ ना सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, इसका जो डेरिवेटिव वो क्या लिखते हम लोग? एक्स की पावर एन लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें इसका इंटीग्रल निकालना हो तो देखो कैसे निकलेगा, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? पावर में एक ऐड करेंगे और उस पावर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना? एन जब माइनस वन के इक्वल नहीं होगा तब ये वैलिड है। इसी तरह से हमें पता है, जैसे साइन का डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वो क्या होता है? कोस एक्स होता है। और इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़े कोस एक्स का तो क्या होगा? वो साइन एक्स होगा फिर। लेकिन इनमें एक बात का ध्यान रखना, सबके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा क्योंकि इनडेफिनेट है। और उसके बाद हमें पता है कोस का है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। अगर हम माइनस को इधर ले लें तो यहाँ क्या आएगा? साइन एक्स आएगा, क्योंकि माइनस हमने कोस का क्या, माइनस और माइनस साथ में तो प्लस बन जाएगा। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ जाए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या होगा? माइनस का कोस एक्स होगा प्लस में सी, ठीक है ना? तो ये इस तरह से होते हैं माना। इसी तरह से टेंजेंट को अगर हम लोग देखें, टेंजेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अगर इंटीग्रेशन निकालना पड़े सीकेंट स्क्वेयर एक्स का तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस में सी, ठीक है ना? सिर्फ एक बात ध्यान रखना, सभी फार्मूले अगर आपको डेरिवेटिव आता है
तो इंटीग्रेशन इजी है। एक बात का ध्यान रखना, जितने भी यहाँ सी आएंगे इंटीग्रल में वो सब माइनस होंगे। सी का मतलब क्या, जो कोस है, कोसिकेंट है, कोट है, सब में माइनस आएगा, ठीक है ना, बाकी सब ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपने। आप देखो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो ये इजीली समझ में आएंगे। देखो एक्सरसाइज 7.1 है, इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, देखो कहते हैं फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब हमें ये डायरेक्ट इंटीग्रल का यूज करके नहीं निकालने, इंस्पेक्शंस का यूज करके, माना जांच परख करके हमें इसको निकालना है। तो देखो ये 5 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं, पहले फर्स्ट देखो क्या है, साइन 2x, क्या निकालना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इसका इंटीग्रल एक्स का ही कोई फंक्शन रहा होगा जिसका डेरिवेटिव ये आया होगा, ठीक है ना। तो इसको लिखें कैसे, द इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हुज डेरिवेटिव या इंटीग्रल, सॉरी डेरिवेटिव ही होगा, हुज डेरिवेटिव इज साइन 2x। तो साइन देखो हम सिर्फ ये देखते हैं साइन, वो नंबर क्या है वो बाद में सोचेंगे, पहले हमें ये पता है होना चाहिए कि भाई साइन जो है किसका डेरिवेटिव, कोस का होता है, इसमें 2x है तो उसका भी लिखेंगे हम लोग। सो तो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x इज इक्वल टू क्या, कोस का क्या बनेगा, माइनस का साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2। तो माना क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस 2 साइन 2x, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ क्या, साइन 2x चाहिए, बाकी को इधर ले जाएंगे हम लोग। तो देखो ये इधर आके क्या बन गया, माइनस भी नहीं चाहिए हमें, तो माइनस का 1/2 बन गया डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x इज इक्वल टू, यहां क्या बन गया, साइन 2x बन गया। इसको अंदर ले लेते हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ -1/2 कोस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे ये आएगा, तो इसका मतलब इसका इसका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज -1/2 कोस 2x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये इंस्पेक्शन मेथड है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कोस 2x, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हुज डेरिवेटिव इज कोस 2x। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था, हमने वो फंक्शन देख लिया था जिसका डेरिवेटिव ही आता था, और जिसका डेरिवेटिव ही आता था वो उसका एंटी डेरिवेटिव हो जाता था। तो देखो वी नो दैट कोस 2x का डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का। तो यहां क्या लिखेंगे, साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 कोस 2x बन जाएगा। हमें सिर्फ क्या चाहिए, कोस 2x चाहिए, तो बाकी को हम लोग इधर कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू कोस 2x बन गया। तो इस 1/2 को अंदर कर लेते हैं,
डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय टू साइन टू एक्स, तो क्या बन गया कोस टू एक्स है। इसका डेरिवेटिव ये है, वही हमें फंक्शन चाहिए था जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए, तो इसका मतलब देयर फॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस टू एक्स इज 1/2 साइन टू एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए की 2x है तो उसी टाइप से लिखेंगे, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए 2x इज ए फंक्शन ऑफ x होज डेरिवेटिव इज e रिज पावर 2x। तो हमें पता है e की पावर x का तो डेरिवेटिव e की x ही होता है, तो हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ e की 2x का ही करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 e की पावर 2x, क्योंकि e की x का क्या होता है सेम ही होता है e की x पहले एज इट इज फिर उसकी पावर का, तो 2 आ गया। अब हमें तो e की 2x ही चाहिए, तो क्या करेंगे 1/2 डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x, यहाँ क्या बच गया e की पावर 2x। दिस इंप्लाइज 1/2 अंदर कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/2 e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज 1/2 e की पावर 2x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो लिखने का प्रोसेस वही है, ठीक है, थोड़ा फंक्शन चेंज होता है। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स होज डेरिवेटिव इज ए एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो देखो फिर डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर कम हो जाती है, जिस भी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे अगर उसमें पावर है तो पावर कम हो जाती है, तो इसका मतलब 2 पावर क्यूब के का डेरिवेटिव करके ही तो आई होगी, और इसका डेरिवेटिव निकाल लो क्या बनेगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ गया, फिर ए एक्स प्लस में बी ए तो क्या आ जाए ए और आ जाएगा, मान यहाँ 3a कर लेते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव है। हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो ये बन जाएगा 1/3a, तो इधर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस में बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ ए एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/3a इंटू ए एक्स प्लस में बी का क्यूब वो क्या होगा ए एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया ये बन जाएगा, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर इज क्या लिखेंगे 1/3a इंटू ए एक्स प्लस में बी का क्यूब, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो पहले तो लिखेंगे द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स माइनस फोर इज पावर थ्री एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हूज डेरिवेटिव इज साइन टू एक्स माइनस फोर इट इज पावर थ्री एक्स। तो देखो वी नो दैट अब ये टू टर्म का हो गया, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा एडवांस में ना। तो देखो ये किसका डेरिवेटिव, पहले तो हम लोग साइन टू एक्स के बारे में सोचते, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद ये किया था। तो उसका डेरिवेटिव क्या किसका था ये, तो ये लिखेंगे वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन बाय टू कोस टू एक्स, क्योंकि अब एक फंक्शन तो है नहीं, हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। मैंने अब देखो ई की पावर थ्री एक्स है, थ्री एक्स का जब करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई में चले जाएगा डेरिवेटिव, तो हमें डिवाइड में भी चाहिएगा फिर थ्री, तो फोर बाय थ्री ई की पावर थ्री एक्स। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव करें, देखो कोस का क्या बना साइन, और टू आएगा फिर टू एक्स का टू, माइनस कोस का क्या माइनस साइन, माइनस से तो माइनस कैंसिल और टू से टू कैंसिल, क्या बचेगा साइन टू एक्स बनेगा। इसमें भी देखो इसका डेरिवेटिव एज इट इज पहले, फिर पावर का करेंगे तो थ्री, वो थ्री से थ्री कट जाएगा, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, इसका डेरिवेटिव जो हमें चाहिए साइन टू एक्स माइनस में फोर ई की पावर थ्री एक्स के इक्वल है। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स माइनस में फोर ई रिज पावर थ्री एक्स इज माइनस वन बाय टू कोस टू एक्स माइनस में फोर बाय थ्री इट इज पावर थ्री एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20, माना 6 to 20 क्वेश्चन में हमें इंटीग्रल्स निकालने ये गिवन है। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में है माना इंटीग्रेशन, तो देखो इंटीग्रेशन का अलजेब्रा क्या कहते हैं कि अगर दो या टू से ज्यादा फंक्शन का इंटीग्रेशन हो तो हम लोग उसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम लोग कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा ई की पावर थ्री एक्स प्लस में इंटीग्रेशन वन का डी एक्स, और ये सब के साथ लगेगा, जैसे हम लोग लिमिट में करते हैं वैसे इसका अलजेब्रा होता है। तो देखो फोर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, रिवर्स प्रोसेस से ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की एक्स ही होता है, फिर जो इसकी पावर है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा थ्री, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे इसमें डिवाइड करेंगे, प्लस में वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और इसमें ध्यान रखना ना इनडेफिनेट है तो सी आएगा, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे फिर फोर बाय थ्री इट इज पावर थ्री एक्स प्लस में एक्स प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, अब ये प्रोडक्ट में है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, फिर उसी तरह से क्या करेंगे अलग अलग कर लेते हैं हम लोग इसको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का देखो एक्स की एन का हमने किया था ना, क्या करते हैं पावर एक ऐड कर देते हैं और उस पावर को नीचे लिख देते हैं, और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में भी देखो उसी टाइप से हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में
इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन सी डी एक्स। ए बी सी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इनको तो बाहर कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी ले लेते हैं यहाँ वन इंटू डी एक्स। तो ये बन गया, देखो क्या करेंगे, क्यूब एक पावर ऐड करेंगे, पावर को नीचे लिख देंगे, इसमें भी ऐसे एक पावर ऐड करेंगे, एक्स की पावर टू बन जाएगी डिवाइड बाय टू, और सी वन का डेरिवेटिव एक्स होता है। अब ये सी तो इसका है, वो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, उसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते या के लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये स्मॉल लेटर वो कैपिटल कर लिया। तो ये बन गया आपके पास ए बाय थ्री एक्स क्यूब बी बाय टू एक्स स्क्वायर सी एक्स और प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में भी देखो इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस में इंटू डी एक्स रह गया सॉरी प्लस ई की एक्स डी एक्स। तो कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स। तो टू क्या करेंगे, पावर एक ऐड की, पावर को नीचे लिख दिया, ई की एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेम होता है और प्लस में सी। तो आपके पास आंसर आ गया टू बाय थ्री एक्स क्यूब प्लस में ई रिज पावर एक्स प्लस में सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में देखो पहले होल स्क्वायर है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो वन बाय एक्स आएगा, और माइनस टू ए बी करेंगे तो टू ए के प्लेस पे ये और बी के प्लेस पे ये, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टू आ जाएगा आपके पास इंटू में डी एक्स। तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं अब हम लोग, एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टू डी एक्स। तो एक्स का तो क्या बन गया, एक पावर ऐड होगी डिवाइड बाय पावर से माइनस। अब देखो इसमें वन बाय एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, लॉग एक्स का, जब पावर वन हो ना, जब पावर वन हो, ध्यान रखो हमने जो फर्स्ट फार्मूला किया था x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, वो क्या था x की n, और जबकि n क्या था नॉट इक्वल टू वन, तो यहाँ तो वन हो जाएगी माइनस वन सॉरी, तो यहाँ तो माइनस वन हो जाएगी, तो इसके लिए log का हम लोग यूज करते हैं, तो ये क्या बनेगा log x बनेगा, नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता माइनस में। तो टू तो कॉन्स्टेंट है, तो वन इंटू डी एक्स है तो टू एक्स बन जाएगा, ये कॉन्स्टेंट ले लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखो रैशनल है ये, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर से, या तो डिवाइड कर लो ऐसे ही, अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग इसको, मतलब डिवाइड करने की बजाय देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर इनटू में dx। तो फिर क्या करेंगे, अब देखो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ क्या बचा x, इसको अलग अलग भी कर लेते हैं dx प्लस में 5 तो कांस्टेंट होगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस में माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ क्या बचा 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो पावर एक ऐड करेंगे, पावर को नीचे लिख देंगे प्लस में 5, ये क्या बनेगा एक्स बन जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अब देखो जब अब एक्स की पावर कितनी है माइनस 2 है, तो माइनस 1 तो नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे इसको पहले न्यूमरेटर की फॉर्म में बढ़ा लेते हैं इस तरह से,
तो एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में 5x माइनस में 4। अब देखो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे क्या बनेगा माइनस वन, फिर पावर को नीचे लिख देंगे और प्लस में सी कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में 5x माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इसको फिर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो दोबारा प्लस हो जाएगा प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो उसी की टाइप का है, तो इसको भी पहले डिवाइड कर लेते हैं माना एक्स क्यूब डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 3x डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस में 4 डिवाइड बाय रूट एक्स। तो रूट का मतलब क्या है, हाफ पावर होती है, हाफ थ्री में से हाफ पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 5/2 माना 2.5 बचेगा प्लस में, तो ऊपर हाफ बच जाएगी माना एक्स की पावर कितनी बचेगी हाफ माना रूट कह लो या 1/2 कह लो एक ही बात है, और ये तो माइनस वन नहीं है ना एक्स की पावर, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी माइनस में 1/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे एक्स की पावर 1/2 डी एक्स 4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 डी एक्स। तो इसमें तो क्या करेंगे एक पावर ऐड करेंगे 5/2 में 1 ऐड करो तो 7/2 फिर 7/2 पावर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे प्लस में 3 इंटू फिर इसमें भी ऐसे ही है 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3/2 बनेगा फिर 3/2 से डिवाइड कर देंगे प्लस में 4 1 ऐड करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस में 1/2 और फिर 1/2 से डिवाइड कर देंगे सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये तो बन गया 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस में 3 तो पहले ही है ये क्या बनेगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस में 4 इंटू ये क्या बनेगा 2/1 एक्स की पावर 1/2 प्लस में सी। तो ये तो 2/7 एक्स रिज पावर 7/2 ये कैंसिल हो गया प्लस में 2 एक्स की पावर 3/2 ये 4 × 2 = 8 एक्स की पावर हाफ को रूट में लिख लेंगे और प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पहले इसको डिवाइड करेंगे उसी टाइप से, पहले इसमें फैक्टर देख लो, फैक्टर बनाने से भी अगर कैंसिल होते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो इधर बचा एक्स माइनस वन प्लस में एक्स माइनस वन है पहली एज इज है तो एक्स माइनस वन डिवाइड में डी एक्स। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं क्या कॉमन आ गया एक्स माइनस वन कॉमन आ गया इंटीग्रेशन क्या कॉमन आया एक्स माइनस वन कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स, या तो डिवाइड कर लो या ऐसे फैक्टर बना के भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये क्या बचा फिर हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो अलग अलग करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का तो क्या बन गया एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 और 1 का क्या बन गया एक्स, और ये क्या आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखो पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट एक्स की 1 से रूट एक्स माइनस रूट एक्स की एक्स से, रूट एक्स की तो 1 से थी एक्स से करेंगे तो देखो ये 1 पावर ये हाफ पावर तो एक्स की पावर कितनी बनेगी 3.5 माना 3/2 बन जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू
तो अलग अलग कर लेते हैं। एक्स की पावर इसको तो 1/2 लिख लेंगे रूट को, तो और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 dx। तो इसमें 1 पावर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ में 1 ऐड किया 3/2 और डिवाइड बाय 3/2, माइनस इसमें पावर 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5/2 और डिवाइड बाय 5/2, आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो इसको सिंप्लीफाई किया 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखो मिलते जुलते क्वेश्चन है लगभग सारे। तो 3 x की पावर 2 और हाफ पावर ये, तो एक्स की पावर 5/2 बन जाएगी, 5/2 में ना 2 1/2 प्लस में 2 x की पावर 1 ये हाफ ये, तो 3/2 बन जाएगी। और इसके साथ किया तो एक्स की पावर रूट में लिखो या 1/2 लिखो, ये इस तरह से बन जाएगी आपके पास डी एक्स। तो इजिकल टू 3 x की पावर 5/2 डी एक्स प्लस में 2 x की पावर 3/2 डी एक्स प्लस में 3 x की पावर 1/2 डी एक्स। तो ये लिखेंगे फिर 3 पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना 7/2, 7/2 से डिवाइड करेंगे प्लस में 2 × 1 पावर ऐड करेंगे तो 5/2 और 5/2 से डिवाइड करेंगे प्लस में 3 × 1/2 में 1 ऐड किया 3/2 और 3/2 से डिवाइड करेंगे और सी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये 3 × 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 × 2/5 हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 3 × 2/3 हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस में सी। ये तो हो गया 6/7 x की पावर 7/2, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4/5 x की पावर 5/2, ये कैंसिल हो गया तो 2 x की पावर 3/2 प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो उसी टाइप से करेंगे, ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स। तो 2 तो बाहर ले लेंगे, एक्स डी एक्स माइनस 3 × cos x dx इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स। तो 2 x का क्या बनेगा, पावर 1 ऐड कर देंगे डिवाइड कर लेंगे, माइनस 3 cos का इंटीग्रल साइन बनेगा प्लस में ई की एक्स का एज इट इज होता है प्लस में सी आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया, ये इसे कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 sin x प्लस में ई की एक्स प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, इंटीग्रेशन सेम उसी की तरह का है बस कोस के बजाय साइन आ गया है। तो 2 x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस में 5 √x dx। तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे, x² dx माइनस 3 × sin x dx प्लस में 5 कॉन्स्टेंट है
और इसको लिख लेंगे रूट को हाफ पावर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, इसका हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स होता है, बताया था ना जितने भी सी वाले होंगे सबका इंटीग्रल माइनस में होगा, माने इनका नहीं जो आंसर में सी आएगा उनके आगे माइनस लगेगा, प्लस में 5 एक्स में पावर में 1 ऐड किया तो 3/2 और डिवाइड बाय 3/2 सी कांस्टेंट आ गया, तो ये बन गया आपके पास 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 कोस एक्स, प्लस में ये बनेगा ना 2/3 हो जाएगा 5 × 2 = 10 10/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में देखो आप ट्रिग्नोमेट्री के आगे हैं, तो पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस में सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब देखो सीकेंट स्क्वेयर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा टेंजेंट एक्स हो जाएगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स किसका होता है सीकेंट का, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स हो जाएगा, प्लस में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आपकी बुक के स्टार्टिंग में जो पेज नंबर शायद दूसरे तीसरे पे होगा वो सारे फार्मूले आपको एक बार देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो अब हमारे पास इसका कोई वो नहीं दिख रहा कि भाई इसका इंटीग्रेशन करें कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे इनको साइन कोस में बदल लो, पहले सीकेंट को तो लिख लेंगे हम लोग 1/cos और कोसिकेंट को लिख लेंगे 1/sin, तो साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स है ना, ऐसे हो जाएगा ये, तो अब ये क्या बन गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, तो ये टेंजेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, लेकिन हमें टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का कोई इंटीग्रल नहीं पता, हमें सीकेंट होता तो उसका इंटीग्रल तो पता है, तो इसको क्या करेंगे उस फार्मूले आइडेंटिटी से बदल लेंगे इसको, किसमें कि सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 में बदल लेते हैं, ठीक है ना, बिकॉज सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 किसके टेंजेंट स्क्वेयर एक्स के इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमने उसमें बदल लिया, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस 1 × dx, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स का तो पता हमें टेंजेंट एक्स होता है इंटीग्रल, और माइनस में एक्स ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाए, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखो अब इनको साइन कोस में भी नहीं बदल सकते कि ऑलरेडी है ही साइन कोस में, तो फिर क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे 2/cos² माइनस 3 sin x डिवाइड बाय कोस एक्स डी एक्स, तो ये सॉरी स्क्वेयर है तो इज इक्वल टू 2 cos का उल्टा क्या secant square x माइनस 3, देखो एक cos तो साइन के नीचे साइन बाय cos तो क्या बन गया टेंजेंट, लिख लेते हैं एक बार साइन एक्स बाय एक कोस तो यहां रख लेते हैं कोस एक्स इंटू 1/cos x अलग से कर लेते हैं डी एक्स, तो ये बना इंटीग्रेशन 2 secant² माइनस 3 ये क्या बन गया टेंजेंट बन गया, ये क्या बन गया सीकेंट बन गया, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स बन गया ये इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर ले लेंगे secant² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन secant x
टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो टू सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल, सॉरी डेरिवेटिव था इसका इंटीग्रल टेंजेंट एक्स, माइनस में थ्री सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स का होता है और प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। दो क्वेश्चन है इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखो 21 है, तो कहता एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू, माना इसका एंटी डेरिवेटिव माना इंटीग्रल निकालना है इसका। तो इनमें से हमें चार ऑप्शन में से बताना है। तो देखो इसका इंटीग्रल निकाल देते हैं, तो क्या है रूट एक्स प्लस में वन बाय रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स को तो लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाय टू, और इसको भी लिखेंगे वन बाय टू, पर न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो क्या बने माइनस का वन बाय टू डी एक्स हो जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रल क्या बन गया, एक्स की पावर में वन जोड़ देंगे थ्री बाय टू डिवाइड बाय थ्री बाय टू, प्लस में इसकी पावर में वन ऐड करेंगे तो एक्स की पावर प्लस में वन बाय टू हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय वन बाय टू प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये तो क्या बना टू बाय थ्री एक्स की पावर थ्री बाय टू, ये क्या बना, तो ये आगे क्या जाए वन बाय टू का टू बन जाएगा और एक्स की पावर वन बाय टू, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। तो देखो इससे कौन सा मैच हो रहा है, बाय थ्री एक्स की पावर थ्री बाय टू, तो सी आ जाएगा आपके पास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है इफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस सच दैट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो देन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन बताना है। तो देखो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे ऐसे कुछ क्वेश्चन कि जिसका डेरिवेटिव हमने किया है वो उसका इंटीग्रल होता है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये फंक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या, फंक्शन कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स रिज पावर फोर। तो ये इसका क्या होता था, एंटी डेरिवेटिव होता था, माना इंटीग्रल ही तो बोलते थे उसको डी एक्स। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, हम लोग इसी तरह से तो करते थे ना, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये फंक्शन होता था, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो फंक्शन ही आएगा। अब देखो क्या करेंगे, फोर एक्स क्यूब का क्या बनेगा, फोर अलग अलग कर लेते हैं पहले, एक्स क्यूब डी एक्स माइनस थ्री एक्स की पावर को माइनस कर लेते ऊपर जाके डी एक्स। तो फोर ये क्या बना, एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे डिवाइड बाय पावर माइनस, इसमें भी एक ऐड करेंगे तो माइनस थ्री डिवाइड बाय माइनस थ्री प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये बन गया, ये तो इससे कैंसिल, एक्स रिज पावर फोर ये इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो प्लस, और पावर को नीचे ले जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस में सी। अब ये क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन आ गया। फंक्शन की वैल्यू देखो, ये एक रिलेशन है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो है, माना एफ में एक्स के प्लेस पे टू रखेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, यहाँ जीरो टू रखेंगे टू की पावर फोर प्लस वन बाय टू का क्यूब प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, और ये क्या कह रहा है जीरो हो जाएगा, ये माना इक्वल टू जीरो। तो टू की पावर फोर तो सिक्सटीन, ये हो गया वन बाय एट प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ऐड किया तो 129 बाय 8 प्लस में c इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 129 बाय 8, ठीक है ना। तो इसमें पुट कर देंगे तो देखो फंक्शन क्या बन गया, फिर f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 बाय x क्यूब, और c के प्लेस पे क्या आ गया माइनस का 129 बाय 8। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर, तो ऑप्शन देखो माइनस का 129 बाय 8 है, ये तो प्लस है इसमें है तो, लेकिन यहाँ 4 था तो ये हमारा ए ऑप्शन
इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा।